हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शुएब हूँ, लैम्प लाइटर लखनऊ से, केमिस्ट्री फैकल्टी। ठीक, मैं बच्चों मैं आज हमारे एक स्टूडेंट हैं, ठीक, 2024 में इन्होंने पेपर दिया है, ऋषिकेश नाम है। और ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ऋषिकेश को पेपर सेंटर तक हमने जो है छोड़ा था, और इनका जो सेंटर था लखनऊ में, ठीक, बक्सी के तालाब पे पड़ा था। ये हमारे साथ जो है ऋषिकेश सेंटर पे गए थे, मैं इनको छोड़ा था और बहुत जाम लगा था, ठीक है। और 800 मीटर पहले बहुत सारी कारें लगी हुई थी, SDSN कॉलेज के था ना, SDSN कॉलेज बक्सी का तालाब के आसपास, तो ये इनका सेंटर था। बहुत इंटीरियर में इनका सेंटर था, बहुत इंटीरियर में इनका सेंटर था। तो मैं वही अपना कार खड़ा करके बीच में ही, और 800 मीटर पहले सेंटर से ये पैदल गए थे। तो इन्होंने ये फ़ोन जो है मेरे पास जमा कर दिया था कि सर ये फ़ोन रख लीजिए, ठीक है। और आज एग्ज़ाम कितना दिन हो गया हुए? दो दिन हो गया, ठीक है। आज 7 तारीख है, ये 2 दिन, 5 को एग्ज़ाम हुआ था, 2 दिन मेरे पास ये। और मैं इनको नहीं जानता था कि कहाँ रहते हैं, ये बस हमारे स्टूडेंट हैं, तो मैं कहाँ पता ये कहाँ रहते हैं ये नहीं जानता था कि नरही में कहाँ रहते हैं, नरही में रहते हैं। तो ये फ़ोन लेने आए। और देखिए, मज़े की बात देखिए, ये फ़ोन इनका आन था और अभी तक इनका कोई कॉल नहीं आया, ठीक। और ये आए हैं लेने ये फ़ोन हमसे, हम आज ऑफिस आए हैं फ़ोन लेने, ठीक। और नीट में जो इनका स्कोर हो रहा है वो 640 नंबर हो रहा है। तो सबसे पहले जो है ऋषिकेश, तुमको बधाई, ठीक। और ऋषिकेश बहुत इंटरेस्टेड स्टोरी है, और वो बच्चों के लिए इंटरेस्टेड है जो यूपी बोर्ड में है, ठीक है। ऋषिकेश ने अभी मुझे बताया कि सर मैं अंबेडकर नगर का रहने वाला हूँ, और ऋषिकेश के फादर जो है मुंबई में गैस वेल्डिंग करते हैं, मजदूर हैं मुंबई में, और उनका लड़का अंबेडकर नगर से आता है, लखनऊ में 2021 में कदम रखता है, तैयारी करता है, ठीक है, हमसे टकराता है, ठीक। और इसके जो 2021 के मार्क्स टोटल थे, ठीक है, 172 नंबर थे, ठीक है। 22 में इसकी हमारी मुलाकात होती है, ठीक है, 2022 में हमारी और इसकी मुलाकात होती है, ठीक है। और ये जो है 2022 में कोचिंग करते हैं, 172 से 497 नंबर 2022 में, 2023 में 597 नंबर होता है इनका स्कोर, और 2024 में 640 नंबर होता है। ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे ऋषिकेश, यूपी बोर्ड से आए थे हिंदी मीडियम के। और 2023 में एक लड़की सेलेक्ट हुई कैकसा, अभी हमको बता रहे थे कि सर कैकसा ने हमारा बहुत मदद किया बायोलॉजी में, हिंदी में हिंदी को इंग्लिश, इंग्लिश को हिंदी, और कैकसा 2023 की सेलेक्टेड स्टूडेंट थी, 635 नंबर था, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में है, 36 नंबर था कैकसा का। और ऋषिकेश जो है दिल जीत लिया भाई, ऋषिकेश तुमने जो है 640 नंबर। और उन बच्चों मेरे, तुम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर हौसला है तो ऋषिकेश ने 172 से 640 का जो बैरियर क्रॉस किया है, ठीक है, 640 नंबर, 172 से 640 नंबर, ठीक है। नीट 2021 में 172, नीट 2022 में 497, नीट 2023 में 597, 2022 में हमसे इनकी मुलाकात हुई, 172 से ये 497, फिर 597, फिर 640, ठीक है। ये देखिए कितना इंस्पिरेशनल स्टोरी है। और वो बच्चा जो हिंदी इंग्लिश नहीं हिंदी इंग्लिश ज़्यादा नहीं जानता था, ठीक है, अपने आप को मेहनत किया, ठीक है, और स्कोर किया है इस बच्चे ने 640, ठीक है। इसने जो है मोबाइल का बहुत कम यूज किया है, बहुत ही कम यूज किया है पूरे साल, ठीक है, ना के बराबर यूज किया है। तो आइए ऋषिकेश से कुछ बातें करनी है हमको, बहुत थोड़ी सी बातें बस। बच्चा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये नहीं है कि अपने आप को एडवर्टीज करना, ठीक है, मैं अपने आप को कभी एडवर्टीज नहीं करता हूँ। मैं उन बच्चों के लिए जो 24 में कम स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, वो ऋषिकेश से सीखे 172, ठीक, 2021 में, फिर 497, फिर 597 और 640 नंबर। तो ऋषिकेश आप बताओ कैसा लग रहा है 640 नंबर पाकर? जो आ गया। अच्छा, तो ये बताओ, ठीक है, केमिस्ट्री में तुम 0 थे, ठीक है, और अभी कितना स्कोर कर रहे हो 40 में? 165 नंबर स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में बोलता था,
एक्सरसाइज बोलता था, एग्जाम्पलर बोलता था, एग्जाम्पल बोलता था, सारे पेपर वहीं से आए हैं सर। ठीक है, अगर बताओ क्या इस पेपर में 180 में 180 किया जा सकता था? किया जा सकता था, लेकिन वही 100% करना थोड़ा सा, हाँ, यानी कि इनकी एक्यूरेसी जो है 100% नहीं थी। थोड़ा तेज बोलिए क्योंकि ये इस माइक नहीं लगाए, हम लोग ऐसे ही मोबाइल से बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा तेज बोलिए। ठीक है, तो ऋषिकेश आने वाले बच्चों को, यूपी बोर्ड के बच्चों को क्या आप सलाह देंगे, बताइए? पहला चीज़ अनुशासन, दूसरा शिक्षा, तीसरा संस्कार। जो हम सब छोटे, जैसे जो बचपन के स्कूल में प्राथमिक विद्यालय में लिखा रहता शिक्षा अनुशासन शिक्षा संस्कार, पहले हम कितना भी आईक्यू लेवल है लेकिन अगर अनुशासन नहीं है तो तुम सेलेक्ट नहीं हो सकते। फिर मेन बात अनुशासन, अनुशासन रहेगा अपने आप पढ़ने लगोगे, नंबर बढ़ने लगेगा, फिर सेलेक्ट हो जाओगे, संस्कार आ जाएगा। मेन तीन चीज़ अनुशासन, शिक्षा और संस्कार, अब तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, तो हम गुरुओं का क्या योगदान है आपके सिलेक्शन के पीछे? मेरा सर, ठीक है, तो बच्चों मेरे हिम्मत नहीं हारिए, जिन बच्चों का नंबर कम है, ठीक है, वो हिम्मत ना हारे। ठीक है, जीता जागता एग्जाम्पल हम ये ऋषिकेश है, मैं बहुत करीब हूँ, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिल जीतते हैं। ठीक, ऋषिकेश उन्हीं बच्चों में था। ऋषिकेश को मैंने फ़ोन किया कि ऋषिकेश सेंटर कहाँ है, तो बोला BKT सर सर बक्सी का तालाब। ठीक है, मैंने कहा कि मैं तुमको छोड़ दूंगा। ठीक है, और SDSN पे इनका था, और अभी इन्होंने बताया कि जो मेरा सेंटर था वो सर बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने 640 नंबर स्कोर किया है, और ये बता रहे थे कि अगर सेंटर थोड़ा ठीक ठाक रहा होता मैं और अच्छे से हुआ होता तो मेरे 10-15 नंबर और बढ़ जाते। पैर पे रख के इन्होंने उमार भरा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, भगवान जिसको जहाँ पहुँचाना रहता है वहाँ पहुँचा दिया, आपको जो है सफलता मिल रही है, तो हमारी तरफ से आपको बहुत ढेरों शुभकामनाएँ। ठीक है, और आप जो है अच्छा करिए अपने जीवन में, जो भी आपके ड्रीम्स हैं। ठीक है, डॉक्टर बन के समाज की सेवा करिए। अभी इन्होंने, अच्छा एक बात इन्होंने और बताया कि सर मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, अपने दिल की बात बताई, तो ये भगवान इनको कहाँ लेके जाएगा। लेकिन इस बच्चे से मैं 100% बोलता हूँ, इस बच्चे ने अभी बोला शिक्षा, अनुशासन और संस्कार। ठीक है, शिक्षा के लिए हमको अनुशासन और संस्कार बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी आपको सफलता मिलेगी शिक्षा के थ्रू। ठीक है, तो मेरे बच्चों, जो जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं जिसके नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, वो फिर से लग जाएं। ऋषिकेश की तरह देखिए, इन्होंने 172 2021 में, 497 2022 में स्कोर किया, 597 2023 में, और आज जो है 2024 में 640 नंबर लेके, ठीक है, अपने माँ बाप का सपना, ठीक है, अपना सपना इन्होंने पूरा किया और हम गुरुओं का सम्मान बढ़ाया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है और ऋषिकेश से जो है आपको सीखना है। कोई भी काम जो है मुश्किल नहीं है। अच्छा, बहुत बच्चे जो है जिनका नंबर कम आ रहा है वो अभी से लग जाइए। ठीक है, अभी से लग जाइए, फिर पढ़ाई करिए। ठीक है, फिर अपना वो करिए। देखिए, अगर ऋषिकेश ने मैदान छोड़ दिया होता, ठीक है, 172 के बाद 497 आया, कोई कॉलेज उठा लिया होता, BAMS, BUMS, BHMS, तो ये MBBS न कर रहे होते। इन्होंने, इनका एक ही और एक ही मकसद था कि हमको MBBS पहले करना है, और हमारे पिताजी का एक सपना है। ठीक है, इनके पिताजी मुंबई में मजदूर हैं, अपने पिताजी के सपने को पूरा किया, और अब अभी हमसे ये बोल रहे हैं कि सर मेरा सपना है कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ, प्रशासनिक सेवा में जाऊँ, और मैं चाहता हूँ कि मुझे इलाहाबाद कॉलेज अलाट हो। ठीक है, भगवान इनको पता नहीं कौन सा कॉलेज देंगे, लेकिन ये है कि ये डॉक्टर जरूर बन रहे हैं। ठीक है, 2024 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आप जो है अपनी हिम्मत खुद मत हारिए। ठीक है, जिस बच्चों का स्कोर कम हो गया है, ठीक है, अपने दिल पे हाथ रख के, ठीक है, अपने आप को समझाइए कि अब हम करेंगे, पूरे अनुशासन के साथ करेंगे, ठीक है, संस्कार के साथ करेंगे, शिक्षा लेंगे और सफलता को पाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू मेरे बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए। शुक्रिया।